morning to all the students of class first. Dear student, today we will study the sixth chapter of social science named as Our School. So let's begin with the chapter Our School. In this chapter, we will study about our school premises. We will study who helps in our school. So let's begin with the chapter Our School. तो बच्चों, आप रोज स्कूल जाते हैं, आप अपने स्कूल का पूरी बिल्डिंग घूमते हैं, आप अपने स्कूल में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या प्ले ग्राउंड में आप क्या क्या देखते हैं, आप अपनी असेंबली ग्राउंड में क्या क्या देखते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. We go school to learn many things. हम स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखने जाते हैं. Dear student, you can see in my screen the school premises. This is school premises. This is the school premises. Our school has a beautiful garden. हमारे स्कूल में एक सुंदर सा गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज, shrubs and हरी घास होते हैं. और उन घासों में हम किसे देखते हैं? ब्यूटीफुल स्क्वायरल्स को, बर्ड्स को पेड़ों में देखते हैं, बटरफ्लाईज, हनी बीज को हम किस में देखते हैं? छोटे छोटे फूल में दिखते हैं. हनी भी दिखती है आपको अपने स्कूल के गार्डन में बच्चों? तो हमारे स्कूल में क्या होता है? एक बड़ा सा गार्डन होता है, घास होती है और पेड़ होते हैं. Our school has a big hall and many rooms. हमारे स्कूल में क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है और बहुत सारी रूम्स होते हैं, जिन रूम्स में को हम कक्षाएं भी बोलते हैं, और जो बहुत ही एयरी होते हैं, जिनके आर पार हवा पास हो सकती है. The school has a big compound. और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है जहां हम क्या करते हैं? अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं. स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, ऑल द स्टूडेंट आर असेंबल्ड इन द कंपाउंड एंड दे आर सिंगिंग आवर नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन अधिनायक जय हे. कहाँ बच्चे असेंबली के लिए खड़े होते हैं? कंपाउंड में खड़े होते हैं जहां पर वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं. और बच्चे कौन क्या गाते हैं? हमारा नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन अधिनायक जय हे. देयर इज एन ऑफिस फॉर द प्रिंसिपल. और हमारे स्कूल में एक ऑफिस किसके लिए रहता है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के लिए रहता है. आपके स्कूल में भी बच्चों अपने प्रिंसिपल के लिए एक प्रिंसिपल ऑफिस होगा, एक लाइब्रेरी होगी. लाइब्रेरी में क्या होता है? जहां वी कैन रीड मैगजीन एंड स्टोरी बुक्स. लाइब्रेरी किसे कहते हैं बच्चों? जहां मैगजीन और स्टोरी बुक्स रखी होती है. अवर स्कूल हैज अ वॉटर कूलर, वी ड्रिंक कूल वॉटर फ्रॉम देम. हमारे स्कूल में एक वॉटर कूलर होता है जिससे हम क्या करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं. इट हैज टॉयलेट ऑल्सो. और हमारे स्कूल में क्या होता है? गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए टॉयलेट होता है और कूल वॉटर कूलर होता है, एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन. अवर स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड. हमारे स्कूल में क्या होता है बच्चों? क्या है? एक प्ले ग्राउंड है जिसमें हम क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गेम्स खेलते हैं. कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खो खो खेलते हैं, कुछ कबड्डी खेलते हैं. तो हमारे स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है. नेक्स्ट, मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, टीचर्स एंड वर्कर. स्टूडेंट, हु इज टीचर? टीचर कौन होता है? अवर टीचर इज लाइक अवर पेरेंट्स. दे हेल्प अस टू लर्न अ न्यू थिंग. दे टीच अस गुड मैनर्स. टीचर्स हमको क्या सिखाते?
क्या सिखाते हैं? वो हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं और गुड मैनर्स सिखाते हैं। आप टीचर से ही तो पढ़ते हैं ना, टीचर टीचर्स मेनी गेम्स, टीचर्स हमें बहुत सारे गेम भी सिखाते हैं। दे अरेंज पिकनिक फॉर अस, एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन। टीचर्स आपको पिकनिक भी ले जाते हैं, टीचर्स आपको गेम भी खिलाते हैं और टीचर्स आपको पढ़ाते भी हैं। The librarian gives us book to read. जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको बुक कौन देता है? जो आपको बुक देता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन कहते हैं। वो आपको स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए देते हैं। The club collect fees from us. और जब आप अपनी फीस सबमिट करते हैं, जब आप ऑफिस में जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्लर्क बोलते हैं। He also sends letter to our पेरेंट्स, और वो हमारे पेरेंट्स को लेटर्स भी भेजते हैं। वो हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, हमारी फीस कितनी ड्यू है, हमारा स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो हमारे पेरेंट्स को भेजते हैं। द प्यून डस्ट द डेस्क एंड चेयर्स, जो हमारे चेयर्स में जो हमारे टेबल्स में डस्ट हो जाती है उसे प्यून जो है साफ करते हैं। ही रिंग्स द स्कूल बेल्स, जब आपके स्कूल में क्लास चेंज करने का टाइम होता है, जब आपका लंच टाइम होता है, जब आपका मॉर्निंग प्रेयर्स का टाइम होता है, तो जो प्यून होता है वो क्या करते हैं? बेल रिंग्स करते हैं। तो आपके स्कूल में जो बेल रिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्यून बोलते हैं। Our school has a watchman and gardener and a sweeper. हमारे स्कूल में क्या है? वॉचमैन भी है जो रात दिन हमारे स्कूल की देखभाल करता है, गार्डनर है जो फ्लावर प्लांट्स की ट्रीज की उन्हें वाटर देता है, उनका ध्यान रखता है, और स्वीपर भी है जो स्कूल की सफाई करता है। The bus driver bring us to the school in a time. हमारे स्कूल में क्या होता है? बस होती है जो आपको स्कूल से घर और घर से स्कूल लेके जाती है। तो उसमें क्या होता है? बस ड्राइवर होता है जो क्या करता है? बस ड्राइवर ब्रिंग अस टू द स्कूल इन टाइम, ही टेक अस बैक टू होम। सो ऑल दीज पीपल सर्व अस एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम। हमको क्या होता है? उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, बिकॉज वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे अच्छे के लिए क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं? स्कूल में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर। लेट्स रिवाइज द चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग। What we have learned in this chapter, we learned about school. Our school has a big hall and many rooms. The rooms are airy and our school has a garden. In garden, there are trees, shrubs and green grasses. We see squirrels and birds on a tree. Butterflies and honeybees come on the flower. The school has a big compound where we assemble and where we assemble for the morning prayers. We sing Jana Gana Man, Adhinayak Jai Hind, national anthem in our compound hall. There is an office for the principal, which is called as principal room. There is a library where we get magazine and story books. Our school has water cooler also, where we drink cold water. It has toilets also for to both of girls and boys. Our school has playground also. We play many games there. The next one is teachers and workers. Who is teacher? Our teacher is like our parents. How they help us? They help us to learn new things. They teach us good manners. Teachers teaches us
teaches us many games. They arrange picnics for us. The librarian gives us book to read. Who is librarian? The librarian gives us book to read. Who is clerk? Clerk collect fees from us. He also send letters to our parents. What is the role of peon in the school? The peon does the desk and chairs. He rings the school bell also. What is the role of watchman? Watchman, kya role hota hai bachcho watchman ka? Wo hamare school ki dekhbhal karte hain. Gardener ka kya role hota hai? Wo hamare school ke ped paudhon ko, garden ko, sabko, sabka dhyan rakhte hain, unko pani dete hain, aur sari cheezon ka dhyan rakhte hain. स्वीपर्स जो हमारे स्कूल की सफाई करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द बस ड्राइवर हु ब्रिंग अस टू द स्कूल इन टाइम इट एंड टेक अस बैक टू द होम. सो वी ऑल आर ग्रेटफुल टू दीज पीपल. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द 7th chapter of the social science. Thank you, students.